हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड फेस। थोड़ा जल्दी में हूँ। ये मेरा आज का जो व्लॉग है वो फर्स्ट व्लॉग है। देखते हैं कैसा मैं शूट कर पाती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ कुछ रिसर्च करने। क्यों जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, उसके लिए आप पूरा व्लॉग देखें। अभी मैं रेडी हो रही हूँ, बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने स्टे क्विक की बीबी क्रीम ली है, उसको मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स किया है और टैप टैप करके अप्लाई कर रही हूँ। बहुत फटाफट से मैं मेकअप कर रही हूँ क्योंकि सब मेरे लिए नीचे खड़े हैं। और मैंने सनस्क्रीन अप्लाई कर दी है एंड प्राइमर भी अप्लाई कर दिया है। जस्ट अभी बीबी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। गाइज, आज माय फर्स्ट व्लॉग, तो अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो डेफिनेटली आप मुझे कुछ सिखाना और बताना भी किस तरीके से व्लॉग शूट करते हैं। क्यों जा रही हूँ, और बहुत ही आज का व्लॉग अमेजिंग होने वाला है। जहां मैं जा रही हूँ बहुत ही अच्छी प्लेस है, और थोड़ी सी दिवाली की शॉपिंग भी करनी है फॉर माय किचन, तो उसके लिए भी मैं जाऊंगी। तो प्लीज आप ये व्लॉग को एंड तक देखें। लेट्स मूव नाउ। गाइज, आई एम रेडी नाउ। जस्ट मैंने 5 मिनट्स में ये वाला मेकअप किया। नथिंग, बहुत इजी, बहुत ही दो या तीन प्रोडक्ट्स ही यूज किए। अभी मुझे बहुत पेट हो रही है, अभी हम चल रहे हैं। चलो अभी फटाफट से, बाय। तो गाइज, हम सब रेडी हैं जाने के लिए। ये है मेरा सन, मेरा बेटा, हिज नेम इज़ आरव जेठवानी। यस, मेरे दो बच्चे हैं। आज आप मेरे दूसरे बच्चे से भी मिल लें। आज हम इसी के ही काम की वजह से जा रहे हैं। आज मैं जा रही हूँ स्पोर्ट्स क्लब, बिकॉज आरव की वैकेशन आ रही है, तो मुझे उसे स्पोर्ट्स ज्वाइन करवाना है। बिकॉज ही इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, स्पेशली इन क्रिकेट एंड स्केटिंग, एंड शी इज़ माई डॉटर रियाना। इसे तो आप मिल ही चुके हैं। वो भी काफ़ी पोजेस दे रही थी जब मैं शूट कर रही थी। अब अगर मुझसे कोई गलती होती है तो जरूर बताना। फ्रेंड्स, ये है स्पोर्ट्स क्लब। ये हमारी एक एरिया है अहमदाबाद में, मैमको एरिया, वहाँ पे है। इट्स वीर सावरकर स्पोर्ट्स क्लब, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा काम नहीं हुआ। आप ओवरऑल लुक देख सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ मेरा काम क्यों नहीं हुआ। बहुत ही लाइक पेशेंस वाला एटमॉस्फेयर था, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जाके। एंड आई फील कि आरव भी यहाँ पे बहुत इंजॉय करेगा और बहुत सारी चीज़ें भी सीखेगा। यहाँ पे सब कुछ है, स्केटिंग, क्रिकेट, चेस, कैरम, स्विमिंग, एवरीथिंग इज़ देयर। ये आप क्रो भी देख सकते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का एम्बियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। सो गाइज, जिस काम के लिए मैं आई थी वो मेरा काम नहीं हो पाया, एंड टुडे द ऑफिस इज़ क्लोज। तो अभी हम जा रहे हैं वापस, और बाकी मुझे जो थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे मंडे को आना पड़ेगा, तो हम फिर से मंडे को आ जाएंगे, फिर से मैं आप सब लोगों को भी लेके आऊँगी। लेट्स मूव, अभी हम चलते हैं किचन की शॉपिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, हम सब कार में हैं। ये है मेरी मदर इन लॉ, ये है रीहू, ये आरव, एंड मैं ड्राइव कर रही थी, थोड़ा बहुत शूट करने की भी ट्राई कर रही थी। अभी हम चलते हैं शॉपिंग के लिए एक होलसेल मार्केट में, बिकॉज मुझे मेरे किचन के लिए कुछ कुछ चीज़ें चाहिए, कप्स वगैरह चाहिए। मेरी टी एंड शुगर का जो स्टोरेज जा रहा है वो ब्रेक हो चुका है, वो मुझे लेना है। ये भी यहाँ का होलसेल मार्केट है। आप सोच रहे होंगे कि मैं मॉल क्यों नहीं जा रही हूँ ये सब लेने, बट मैं यहाँ पे आई हूँ बिकॉज दो बच्चों के साथ मॉल जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था। तो ये जो मार्केट है वो हमारे रास्ते में ही आ रहा था, और आप रिव्यू देख सकते हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए शूट करना और इसको हैंडल करना, तो हम इसीलिए ये वाले मार्केट में आ गए। थोड़ा बहुत ही शॉपिंग कर पाए बिकॉज बहुत कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, और मैं बहुत थक चुकी थी रियू को गोदी में उठा उठा के। वैसे इसके पापा होते हैं, इसके दादू होते हैं ना, तो वो काफ़ी हेल्प करते हैं। आज हम इधर गए हैं, बट नेक्स्ट डे हम मॉल जाके अपने काम को ख़त्म कर देंगे। फ़िलहाल हमें जिन भी चीज़ों की बिल्कुल जल्दी से ज़रूरत है वो सिर्फ मैं परचेज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ये दो वाले जार्स ले रही हूँ, एक टी के लिए एक कॉफ़ी के लिए। यहाँ पे मैं प्लास्टिक के जार्स ले रही हूँ क्योंकि हमारे घर टी सब बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही बनाती हूँ। जिसी को भी जब भी टी चाहिए होता है वो खुद ही बना लेता है, तो अगर कांच की लेती, ग्लास की लेती तो टूट सकती थी, इसके लिए मैं प्लास्टिक की ले रही हूँ विद वुडन
का ढक्कन है उस पर, और ये वाले भैया हैं मुझे दिखाई नहीं रहे थे, अपने फ़ोन में बहुत बिजी थे और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। रियू परेशान कर रही थी, रो रही थी, आरव तो मुझे देख के हंस रहा था, मज़ा आ रहा है मम्मा मुझे मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो और मेरी मदर इन लॉ भी देख रही थी इधर उधर बहुत सारी चीज़ें, तो हमने कुछ खास तो नहीं ख़रीदा, समझ में नहीं आ रहा था। तो अब मैंने क्या क्या ख़रीदा है मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी। आप ओवरऑल ये मार्केट का लुक देख सकते हैं, ये वाला जो मग है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, आई थॉट कि मैं इसको ले लूँ बिकॉज मुझे टी और कॉफ़ी का बहुत शौक है, बट मैं इसको नहीं ले पाई। भैया ने इसकी प्राइस बहुत बोली, इसकी प्राइस बोली 350 रुपीज़, जो मुझे बहुत कॉस्टली लग रहा था, बट था बहुत क्लासी, बट मैंने नहीं लिया, ठीक है गाइज। अभी आप फ्रेंड्स, अभी आप ये टोटल प्रोडक्ट्स देख सकते हैं जो मैंने परचेज़ किया है। यहाँ पे ब्लैक पेपर ट्विस्टर है, जिससे हम फ्रेश ब्लैक पेपर को एकदम बारीकी से कर सकते हैं, और ये दो जार्स, और ये छोटा सा मग, और ये ट्रे, और आप ये रिव्यू देख सकते हैं। मुझे बहुत परेशान कर रही थी, चिड़चिड़ी हो रही थी, रो रही थी, मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए हमने अपना काम पेंडिंग रख के हम आधे में ही वापस आए, जितना प्लान किया था उतना काम नहीं हुआ। और आप ये जा मग्स भी देख सकते हैं, ये वाले सब मग्स वो भैया ने मुझे दिखाए, बट मैंने वो ग्रीन डॉट्स वाला मग लिया, ठीक है फ्रेंड्स। और इट वाज वेरी टायर्ड एक्सपीरियंस फ्रेंड्स, ओवरऑल बोला जाए तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा आज का बहुत ही टायर्ड रहा। रियू भी परेशान हो गई, मैं भी परेशान हो गई। फिर हम घर जा रहे थे वापस, फिर मुझे याद आया कि आरव ने बोला था आज रात को डिनर में बनाना है मार्गरीटा पिज्ज़ा, तो एक बेकरी पे मैंने रुकाया और मैंने पिज्ज़ा के जो बेज होते हैं वो परचेज़ किए। और ये बेकरी की शॉप थी, काफ़ी अच्छी शॉप थी, आरव बहुत ज़िद कर रहा था केक लेने के लिए, बट मैंने नहीं लेके दिया। फिर से एक प्रॉब्लम हो गई, मेरी कार की जो एयर थी वो भी कम थी, इसके लिए मैंने गाड़ी को रुकाया, एयर भराई। और ये है मेरी कार के गणपति, जिनको मैं हमेशा ही मेरी कार में रखती हूँ। एयर भरवाने के बाद फिर हम घर गए, फिर उसके बाद भी मेरे पास बहुत काम थे, एंड अभी हम घर चलते हैं, बाय। सो गाइज, जस्ट अभी हम वापस आए हैं, अभी 5:07 है और अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ। इट वॉज़ अ बैड एक्सपीरियंस, दो बच्चों के साथ शॉपिंग करना बहुत थक चुकी हूँ। अभी मुझे आरव को ट्यूशन छोड़ने जाना है, अब मैं पानी पी के उसको ट्यूशन छोड़ के आती हूँ, और मैं आप सब लोगों से भी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। होपफुली आप सब लोगों ने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा, और जो भी चीज़ आपको मेरे व्लॉग में पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और अब मुझे बहुत लेट हो रहा है, अब बाय गाइज। आप इन जार्स का लुक देख सकते हैं, लास्ट में मैंने इस क्लिप को ऐड किया है, एक में टी एक में शुगर।